सीधे आपका रुख करते हुए, ये बताइए क्या भाजपा सिर्फ टीवी में है जिस तरह के आरोप लग रहे हैं? और यहाँ पर हिंदुत्व की पार्टी की बात हो रही थी, हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण की, लेकिन ये जो 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट दिया है, इससे अच्छी स्थिति बनेगी या फिर लगेगा कि नहीं ये भी तो बाकी पार्टियों जैसी ही है? चित्रा बीजेपी जी, क्या बदल भी भाजपा रही है, ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। चित्रा जी, भाजपा ने जिसको टिकट दिया है, किनको टिकट दिया, इसका जवाब भाजपा दी। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि उन्होंने कहा कि हम चंडी पाठ करते हैं, हम चंडी पाठ से अपमानित महसूस नहीं करते, हम सम्मानित महसूस करते हैं, हमें बहुत सम्मान होता है। लेकिन ममता बनर्जी जय श्री राम कहने से अपमानित महसूस करती है, ये अंतर है मूलभूत। वो कहती है चमड़ी उधेड़ दूंगी, कहते हैं बहुत अच्छा किया, क्योंकि उस जय श्री राम कहते हैं को गलत बहुत, फिर तरीके से बीच में बोले। इस्तेमाल चित्रा करते जी हैं। देखो, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, ये चुप नहीं रह सकते क्या? अरे बोल लिया ना अपने टाइम रंजीत पर, दत्ता एक बार, हाँ देखिए ठीक है अपमान ठीक है, का, हमारे लिए सम्मान की नहीं वो बात है तो चंडी का सुनेंगे, पाठ करना, तो आपके लिए जय ठीक है श्री ठीक राम है, लेकिन अपमान की बात है, डिबेट ये में मूलभूत अगर कोई अंतर है। सवाल आए नंबर एक बात, तो कम नंबर से कम अगली इसका बात, स्वागत भी किया जाना चाहिए। ठीक नंबर है नंबर एक बात, नंबर बोलिए दो अभी। बात, बिल्कुल हाँ जो शुद्धोदा, ये आपके आपके अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के उस समय अध्यक्ष थे, इस समय नहीं, जिस समय उनको सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने के लिए माफी मांगनी पड़ी, एक बार नहीं दो बार, झूठ को इसलिए कहा कि झूठ को भोपू बोलता है ये कांग्रेस पार्टी, बाकायदा माफी मांगी, रिटर्न में माफी मांगी है, ये मैं इसलिए आपको याद दिला दूं, आप आपको जरा शायद देश के, याद नहीं। अच्छा मतलब एनआर, ये है, अगली बात सुन मैं लो, जवाब दे दूं, एनआरसी एनआरसी जवाब दे दूं, एनआरसी जवाब की दे बात की दूं। थी राजीव गांधी ने, असम में राजीव गांधी ने समझौते के तहत एनआरसी ये की देखिए बात की सवाल थी, ऐसे भाग और रहे उसके हैं, ये बाद आप कह रहे हैं एनआरसी नहीं होनी चाहिए, बदलते आप पतली गली हैं, से भाग रहे हैं, ये बदलते देखिए आप हैं, आप बदलते हैं, पतली आप गली से भाग हमेशा रहे हैं इस ये। देश के मतदाताओं को झूठ बोल करके, कभी गरीबी हटाओ, कभी एनआरसी, कभी कुछ कह करके आप उनको बरगलाते रहे और किसी तरीके सत्ता पे रहे। अब राजीव गांधी ने देश जो की जनता बातें पूरी कही तरह थी समझ उसके चुकी बाद है। वाली कांग्रेस ने उसको भुला दिया ना। राजीव गांधी ने शुद्धो बनर्जी ये बातें कब कही थी? 1991 के पहले कही होंगी। उसके बाद की कांग्रेस पार्टी 10 सालों तक शासन में रही ना लगातार, अगर मैं 2004 से 14 की बात करूं, भुला दिया आप लोगों ने, अगर इस देखिए चीज भाई का क्रेडिट साहब, लेने की आप कोशिश कर रहे हैं तो। कहां क्रेडिट, मैं तो क्रेडिट की कोई बात ही नहीं किया, मैं कह रहा हूं कि 5 प्रदेशों कोई में क्रेडिट मोदी नहीं जी का हार मिलता, ना तय है। इनका सब कुछ डेबिट मोदी है जी इनका। अभी 5 प्रदेश में हारने के बाद भूतपूर्व प्रधानमंत्री होंगे, उनके लिए कुछ भी बोलेंगे कुछ भी करेंगे। अगर देखेंगे अभी चाहे खुद बंगाल का उम्मीदवार बन जाए, वो भी आप चौंकता नहीं, 6 सांसदों को ऑलरेडी तो उतार दिया है, केरला में भी 2 सांसदों को उतार दिया है, इनके पास संगठन के नाम पे कुछ है नहीं, आरएसएस के नाम पे एक मिथ है, एक अफवाह है, इनके पास ना कोई नीति क्या है ना दिक्कत है दया आपको है, फिर? और इनके अगर आदर्श, उनके पास इनका जो सांसद है ना वो अर्थ उतार रहे हैं, नीति क्या है, दिक्कत है? क्या उनके पास सांसद है इसलिए उतार रहे हैं, जिनके पास नहीं रहेंगे वो किसको विधानसभा उतारेंगे? उनके पास सांसद है वो उतार रहे हैं, जिनके पास नहीं रहेंगे वो किसको लड़ाई उतारेंगे? है, आप बीजेपी कोई ये सवाल एस्यू पूछ से, रही है। आप कांग्रेस से हाँ बात कर रहे हैं, सांसद हमें मांग उठाए, 416 सीट जीत के हमने सरकार बनाई है, आप कोई छोटे मोटे पार्टी से बात नहीं कर रहे, आप कोई तृणमूल हाँ तो कांग्रेस से बात अभी नहीं कर का रहे हैं, बताइए ना, अभी 1994 हमारे बंगाल में पास, दो हैं ठीक है आपके, एक बात बंगाल सुनिए, में हमारे अभी पास का दो भूत दो सांसद हैं हैं आपके, आपके, बीबी छोड़ दीजिए आप लोग को का नहीं पार्टी, उतारे ना इतिहास हो उनको, गया, छोड़ दीजिए, बीबी नहीं शुद्धोदा उतारेंगे एक चीज याद उनको, रखिएगा, सुनिए हमारे सुनिए दो सांसद है ना, शुद्धोदा, उनके पास उतारे तो सुनिए नहीं अब शुद्धो तक, बनर्जी एक चीज सुन ये है लीजिए, इज्जत, आप लोग केंद्र ये है में इज्जत। इतना वीक है, इतना वीक हो गए, इसलिए देश का ये हालत है। अगर अरे आप लोग का भाई, थोड़ा भी अरे केंद्र में भाई भाई, बलबूला रहता ना तो बीजेपी आप इतना नहीं फैलता। जब बड़े बात करते आपके हैं, बड़े आपके बात करके लोग, बच्चे बात नहीं, बीच बड़े में बड़े नहीं करते, आपके बड़े, आप लोग रिजु बड़े नहीं, दत्ता आप लोग अपने इतिहास हो अपने गए, आप रिजु लोग दत्ता से धर्मसोर औहदे बन में गए रहना हैं। सीखिए, रिजु दत्ता रिजु उनकी बात दत्ता, पूरी हो रिजु जाए प्लीज, दत्ता जब कांग्रेस बीजेपी रिजु बात दत्ता उनकी करती बात है, पूरी हो जाए क्या आप पहले बोलिएगा। अपने औहदे में रहना सीखिए, ठीक आप एक स्टेट पार्टी है, स्टेट पार्टी में रहिए, आप आरजेडी चित्रा एलजेपी जी, इनसे मुझे बात जवाब देने कीजिए, दीजिए, कांग्रेस से बात, आपकी कोशिश भी ना करें, आप मुझे कांग्रेस मुझे के नाते मुझे की जवाब कोशिश भी जवाब ना देने करें, दीजिए। आपके लास्ट अच्छा एमएलए जो मैं भी है शुद्धो आपके, बनर्जी, आप सुनिए भदौरिया अरे से, शुद्धो वहां पे भी बनर्जी, आप तो कभी जीता आप नहीं यहाँ पाए, पश्चिम अभी बंगाल में कांग्रेस का भी शुद्धो एमएलए बनर्जी, लेना, शुद्धो सुनिए बनर्जी, शुद्धो बनर्जी, शुद्धो शुद्धो बनर्जी, बनर्जी, शुद्धो सही बनर्जी में हमारे पश्चिम यहाँ बंगाल पर में आप जितने किससे लड़ रहे हैं? सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बीजेपी से लड़ रही है या टीएमसी से लड़ रही है? ये टीएमसी अपने आप यहाँ पर ये बीजेपी साइन एक बोर्ड ही है, साइन है, बोर्ड, अगर टीएमसी ना होता तो भाजपा इतना बड़ा हासिल नहीं कर पाती, अगर भाजपा टीएमसी के पक्ष में ना होता तो ममता बनर्जी के सारे लोग जेल के अंदर होते, अब शारदा नाटक केस में चार्जशीट फाइल ही नहीं हुआ, अब मोदी जी जाके कहानी सुना रहे और सर चुनाव से पहले कांग्रेस सीबीआई नहीं के भेज टूटने रहे, नौटंकी के कर रहे बाद हैं ही ये, टीएमसी बनी थी,
कांग्रेस से अलग होने के बाद ही ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई थी और आप लोग बार बार 400 से ज्यादा हमारे सांसद थे, ये थे वो थे। सर ये तो 1984-85 का दौर चला गया ना सर, अभी मौजूदा दौर में कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है और किससे आपकी लड़ाई है? अगर आप कहेंगे कि ये स्टेट लेवल की पार्टी है इससे हम बात नहीं करेंगे, ये लोग छोटी पार्टियां हैं, लड़ाई तो आपकी पश्चिम बंगाल में उन्हीं से है और छोटी छोटी पार्टियों से आप यहाँ पर गठबंधन कर रहे हैं ताकि आप यहाँ पर आप लोग चित्रा जी कौन बोलेंगे? आप लोग खत्म हो गए चित्रा जी कौन बोलेंगे? मैं बोलूंगा कौन बोलेंगे? आप लोग रीजनल पार्टी से भी गए गुजरे हो गए इसलिए बीजेपी इतना फैल गया। ये देखिए, ये भाजपा के दल्ला बोल रहे हैं।